दोस्तों आप सब कैसे हैं। मैं आज आपके लिए फिर एक नई मजेदार वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही फंटेस्टिक होने वाली है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है स्लैम कैसे बनाए वो भी घर पर। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको चाहिए फेमिकोल, ये फेमिकोल मरीन है जो कि मेरे पास, कोई से फेमिकोल आपको चलेगा ठीक है ना। फिर दूसरा होना चाहिए मॉइस्चराइजर, कोई से मॉइस्चराइजर कोई सी कंपनी का भी ठीक है। फिर तीसरे उसमें चाहिए इसमें गर्म पानी, गर्म पानी के अंदर ये आपको बोरिक एसिड मात्र 10 रुपये में कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा आसानी से। फिर आप चाहें तो इसके अंदर कलर डाल सकते हैं, ये देखिए मेरे पास कलर का पैकेट है जो कि हम इसे कलरफुल बनाने वाले हैं, चाहे तो आप इसे वाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब ठीक है, हमारा फेमिकोल है, इसके अंदर हमने फेमिकोल ऑलरेडी करके रखा है। अब इसके अंदर हमें कलर मिलाना है, तो कौन सा कलर मिला है, हम ये नीले वाला कलर मिला लेते हैं। तो दोस्तों इसे खोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये खुल चुका है मेरे पास, ये नीला कलर है जो कि हम इसमें इसके अंदर गेरने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमने इसके अंदर मिक्स करेंगे, ये देखिए आप, ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है दोस्तों। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। ये दोस्तों ये हमारा ब्रोकिक एसिड है जो कि ये गर्म पानी के अंदर डालना है थोड़ा सा। तो ये दोस्तों हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल लेते हैं, ये हमने डाल लिया है। डालने के बाद दोस्तों इसे चला लेना है, ये थोड़ा सा गर्म पानी है हमारे, तो इसे हमने चला लिया है, ये चला लिया है हमने और अच्छी तरह से चला लेते हैं दोस्तों। फिर इसके अंदर मॉइस्चराइजर डालना, कोई सा भी आप डाल सकते हो क्योंकि बॉडी लोशन होता है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ये डाल लिया है, कोई सी कंपनी का भी हो दोस्तों। इसे फिर मिला लेना है इसे दोनों चीज़ को, तो ऐसे करके हम मिला लेते हैं इसे दोस्तों। मिलाने के बाद देखना कमाल क्या होगा, देखिए कैसे कलर का हो चुका है, आसमानी कलर का हो गया है। मिला रहे हैं तो देखिए अभी ये थोड़ा सा वैसा हो रहा है। इसके अंदर फिर ये ब्रोकिक एसिड डालना है जो कि ये हमारे पास तैयार है, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है इसके अंदर। अभी इसे सही तरीके चला लेते हैं जो इसमें कलर लग रहा है वो मिक्स हो जाए। तो ये हम इसके अंदर डालते हैं ब्रोकिक एसिड, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसमें डाल लिया है दोस्तों। अभी इसके अंदर ऐसे पड़ा रहने देना है थोड़ी देर, मत बना कर। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये तैयार हो रहा है, देखिए तैयार हो चुका है, देखिए हमारा हाथ तो कैसे नहीं चिपक रहा। अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा ये थोड़ा सा समय लेगा, ये चिपक रहा है ना दोस्तों, इसका थोड़ा सा वेट ले लेते हैं। तो दोस्तों हमारा फिल्म बन के तैयार होने वाला है, थोड़ी देर और लगेगी इसके अंदर। दोस्तों देखते हैं जैसे कि ये भी बना नहीं है, ये भी हाथ में चिपक रहा है, ये भी हमारे हाथ में चिपक रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा और डाल देना है, दोस्तों जैसे कि हमारा बन चुका है, तो देखिए स्लिम कितनी अच्छी बनी है। तो दोस्तों आप देखते रहिए,
ये भी चिपक रहा है थोड़ा सा हाथ में, कोई नहीं सही हो जाएगा ये। इसके अंदर थोड़ा सा और डाल लेना है, जो कि ब्रोकली का एसिड थोड़ा सा और डाल लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। देखिए दोस्तों अब ये चिपकना बिल्कुल कम हो चुका है, जैसे कि हमारी जेली बन चुकी है स्लिम, जो कि दोस्तों देख सकते हैं, जो कि दोस्तों ये देखिए हमारी स्लिम जेली बन चुकी है। ये अब हमारे हाथ में भी चिपक नहीं रही है, ये देखिए दोस्तों कैसे फेड हो रही है, देखिए दोस्तों।